इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप देखेंगे ऊपर से बाय डिफॉल्ट इसका लुक कुछ इस तरीके से आता है जब आप साइड में थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे। आपको चैट्स को हाइड या अनहाइड करना है तो उसके लिए सिंपली आप किसी भी चैट पर जाइए, यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, लॉन्ग प्रेस करता हूँ, ऊपर थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक हाइड का पोर्शन दिखाई देता है जिस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए वो चैट यहाँ से चला गया। अब आप नीचे देखिए यहाँ पे पेन आइकन आपको दिखाई देता है, आप पेन आइकन पे लॉन्ग प्रेस करके रखिए, आपको यहाँ पे बोल रहा है कि टच सेंसर पे क्लिक करिए, चूंकि मैंने फिंगरप्रिंट इनेबल किया हुआ है तो जैसे ही मैं टच करता हूँ ऑटोमेटिक आपको वो चैट यहाँ पे दिखाई दे जाती है। अब ये चैट यहाँ पे हिडन पोर्शन पे दिख रही है, आप ऊपर देख सकते हैं हिडन पोर्शन पे है। आपको वापस से इसको अनहाइड करना है, लॉन्ग प्रेस करिए, ऊपर थ्री डॉट्स पे क्लिक करिए और यहाँ पर आप देखिए अनहाइड का ऑप्शन दिखाई देता है, क्लिक करिए और चैट हो गई अनहाइड। अब अगर आप यहाँ से वापस बाहर जाएंगे तो आपको चैट दिखाई देती है। इसके अलावा अगर आप इसी चैट पे लॉग पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे हम चैट के अंदर चले गए हैं। इसके बाहर हम एक बार फिर से जाते हैं और इसी चैट पे लॉन्ग प्रेस करते हैं, लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऊपर फिर से थ्री डॉट्स पर क्लिक करें, जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे देखेंगे आपको चैट सेटिंग दिखाई देती है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देता है चैट लॉक का। अगर आप इसको इनेबल कर लेते हैं तो इनेबल करने से क्या होगा, अब मैं वापस आपको जाके दिखाता हूँ, इसी फिर से मैं चैट पे क्लिक करता हूँ और देखिए आपसे पूछ रहा है कि फिंगरप्रिंट दीजिए, तो यहाँ से जब मैं फिंगरप्रिंट दूंगा तो ये चैट ओपन होगा। यानी कि अगर आपको चैट को हाइड एंड हाइड करना है या चैट को आपको लॉक करना है तो ये फीचर आपको टेलीग्राम मैसेंजर पर मिलता है। कैसे करेंगे इनेबल देख लीजिए, उसके लिए आपको ऊपर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देता है स्क्रॉल करने के बाद ग्राफ सेटिंग्स, आप इस पर क्लिक करें, जैसे आप ग्राफ सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे नीचे स्क्रॉल करते जाएं, अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है हिडन सेक्शन का। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हिडन सेक्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि मैंने इनेबल करके रखा हुआ है, मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड देता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब ये पहला ऑप्शन आपके सामने डिसेबल होगा तो पहले आप इसको इनेबल करिएगा, आपसे पासवर्ड पूछेगा, दे दीजिएगा, फिर कन्फर्म करिएगा पासवर्ड और यहाँ से इनेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों ऊपर के ऑप्शंस को इनेबल कर लेंगे। यहाँ से आपको अनलॉक करना है फिंगरप्रिंट से या नहीं तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर लें। इंटर विदाउट पासवर्ड आप चाहते हैं ऐसा हो तो वो भी आप चीज़ें यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं आपके चैट्स को हाइड एंड हाइड करने की। अब बात आती है चैट्स को लॉक करने की, तो उसके लिए फिर से आप वही करिए, ऊपर थ्री डॉट्स पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आपको फिर से जाना कहाँ है, आपको जाना है टेलीग्राफ सेटिंग्स पे। इसके बाद आपको क्या करना है, टेलीग्राफ सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करना है, जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉक चैट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप क्लिक करें। मैंने पहले से ही पासवर्ड एंटर करके रखा हुआ है तो मेरे से पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इनेबल करके रखा हुआ है। आपके वाले में अगर ये डिसेबल होते हैं ऊपर के दोनों ही ऑप्शन तो आपको इनेबल करना है। तो ऑब्वियस ही बात है जब आप इनेबल करेंगे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा, अपना पासवर्ड दे दीजिएगा, एक बार फिर से पासवर्ड कन्फर्म करिएगा और यहाँ से इनेबल हो जाएगा। अब फिर आप इस चैट्स को अनलॉक करना चाहते हैं फिंगरप्रिंट की सहायता से, इस ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हैं। टेलीग्राफ मैसेंजर आपको एक और भी फीचर देता है, आपको किसी भी फाइल को, मीडिया फाइल को डाउनलोड करना है तो उसे आप क्यों में ऐड कर सकते हैं, मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये मान लीजिए ग्रुप है, इस पर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा ऊपर और मैं आपको कुछ मीडिया फाइल्स दिखाता हूँ जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे कि मीडिया फाइल पड़ी हुई है, हो सकता है कि आपके एप्लीकेशन में पहले से बहुत सारी मूवीज़ या ऐसा कुछ होगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ थ्री डॉट्स दिखेंगे, इस पर आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऐड टू डाउनलोड क्यू, बाकी के ऑप्शंस तो आपको पहले जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। आप जैसे ही यहाँ पे ऐड टू डाउनलोड्स क्यू पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ऐप आपका यहाँ से बाहर चला गया है। अब आप जहाँ से बाहर आ जाइए ऊपर आपको थ्री डॉट्स पे ही क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपको डाउनलोड मैनेजर दिखाई देगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो चैट आपकी यहाँ पर देखिए एडेड दिखाई दे रही है। अब आप नीचे जैसे ही क्लिक करेंगे तो चूंकि यहाँ पे क्यू में आपने चीज़ों को ऐड कर दिया है तो क्यू में जितनी भी चीज़ें आप ऐड कर देंगे, सबसे पहले नीचे वाली, इसके बाद उसके बाद वाली, उसके बाद उसके बाद वाली, ऑटोमेटिक एक एक करके डाउनलोड होती जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कभी आपको किसी ग्रुप में कोई चीज़ ऐसी लगती है जिसको आप बाद में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप डाउनलोड क्यू में ऐड कर सकते हैं, बाद में आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राफ मैसेंजर आपको वॉइस चेंजर का भी ऑप्शन देता है, मैं आपको चेक कराता हूँ एक बार, कोई भी चैट आप ओपन कर लें। जैसे आप चैट को ओपन करेंगे तो आप ऊपर थ्री डॉट्स पे देखें,
जैसे आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक वॉइस चेंजर का ऑप्शन देख सकते हैं। वॉइस कॉल करें या फिर आप वॉइस मैसेज सेंड करें तो ऑटोमेटिक वो मैसेज आपका उसी वॉइस में जाएगा। टेलीग्राफ मैसेंजर का ही एक और कमाल का फीचर ये भी है कि आप अपने मन मुताबिक ड्राइंग करके किसी को भी सेंड कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। उसके लिए फिर से जिस भी चैट ग्रुप या चैनल जो भी है आप पहले उसको ओपन करें। जब आप ओपन करेंगे तो नीचे यहाँ पे देखेंगे आपको ड्राइंग सेक्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर ले। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ड्राइंग पोर्शन पे आप पहुंच गए हैं। अब आपको जो भी ड्रॉ करना हो तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर लें। चीज़ों को ऐड करना है आपको कोई स्टिकर तो नीचे आप देखेंगे आपको स्टिकर ऐड करने का, इमेज ऐड करने का और ये टेक्स्ट ऐड करने का आपको ऑप्शन दे रहा है। आप स्टिकर पे जाएंगे तो आपको स्टिकर्स दिखाई देंगे। जो भी स्टिकर आपको ऐड करना है वो स्टिकर आप अपने मन मुताबिक प्लेस कर लें। ऐसे ही कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट आप यहाँ पर लिख लें और इसके बाद आप उसको ऐड कर लें। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं और आपको जब लगे कि ये फाइनल बनकर रेडी हो गया है, आपको कुछ और भी चेंजेस करने हैं, बैकग्राउंड वगैरह बदलना है तो यहाँ से क्लिक करते हुए आप बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जब आपको लगे कि फाइनल आपका रेडी हो गया है प्रिंट तो आपको उसके बाद नीचे दिखाई देता है डन बटन, आप उस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपको सेंड करना है तो सेंड बटन पर क्लिक कर दें। आपसे पूछ रहा मल्टी फॉरवर्ड यानी एक ही बंदे को सेंड करना चाहते हैं कई लोगों को सेंड करना चाहते हैं, मैं इसी पर आपको सेंड करके दिखाता हूँ। तो सेंड टू दिस चैट और देखिए ये आपका ड्रॉ किया हुआ मैटर सेंड हो। टेलीग्राफ मैसेंजर पे आपको एरोप्लेन मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसकी सहायता से अगर आप चाहें तो अपने एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं, ना ही उस टाइम पीरियड पे कोई भी मैसेज आएगा और ना ही आपके एंड से कोई भी मैसेज जाएगा। उसके लिए सिंपली आपको ऊपर थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ऊपर ही देखेंगे आपको यहाँ पे एक पावर बटन का ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे ही आप पावर बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको एक मैसेज दिखाई देगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ आर यू श्योर यू वांट टू टर्न ऑफ अकाउंट, व्हेन टर्न ऑफ अकाउंट इंटरनेट कनेक्शन विल बी इंटरप्टेड एंड डोंट सेंड और रिसीव मैसेजेस। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आपके मैसेजेस आने जाने बंद हो जाएंगे। यहाँ पे कमाल की चीज़ ये भी है कि जैसे ही आपका कोई भी चैट ऑनलाइन आएगा, कोई भी कॉन्टैक्ट पर्सन ऑनलाइन आएगा, वो आपको अलग से ही शो करेगा। यहाँ पे आप थ्री डॉट्स पे ऊपर क्लिक करें तो आप देखें अभी जब मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, चूंकि मैंने अभी नया अकाउंट बनाया है, तब भी दो अकाउंट्स यहाँ पे ऑनलाइन है और वो दोनों ही आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पता करने के लिए फेसबुक मैसेंजर के तरीके ही कितने पर्सन एग्जैक्टली समय ऑनलाइन है और उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देती है जिस पे आप डायरेक्टली क्लिक करते हुए चीज़ों को देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे एक कैंडिडेट तो ये ऑनलाइन दिखाई दे रहा है, एक तो आप खुद ही है, तो यहाँ पे दो पर्सन इस समय ऑनलाइन हैं। टेलीग्राफ मैसेंजर पे आपको स्पेशल कॉन्टैक्ट का भी फीचर मिल जाता है। इसमें क्या होगा मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। तो जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्पेशल कॉन्टैक्ट का फीचर मिलता है। इस पे जब आप किसी कॉन्टैक्ट को इनेबल कर देंगे तो क्या होगा, आप इस एप्लीकेशन को अगर यहाँ पर ये एप्लीकेशन बंद भी कर दिया जाएगा तब भी उस कॉन्टैक्ट का यहाँ पर मैसेजिंग आना जाना स्टार्ट रहेगा। एक चीज़ और भी है जो अच्छी है, जैसे ही वो बंदा कॉन्टैक्ट ऑनलाइन आएगा ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट ऑनलाइन टोस्ट के तौर पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वो बंदा ऑनलाइन आया है। आप चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है इनेबल सर्विस यू वांट टू वर्किंग स्पेशल कॉन्टैक्ट्स व्हेन ऐप क्लोज्ड नॉट दिस फीचर ड्रेन्स योर बैटरी चार्ज। हाँ ये बैटरी चार्जेस थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेगा, ये आपको बता रहा है। यहाँ पे आप ऊपर देख लीजिए लिखा हुआ व्हेन योर स्पेशल कॉन्टैक्ट इज ऑनलाइन रीड योर मैसेजेस। यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ऊपर देख लीजिए कि जैसे ही आपका स्पेशल कॉन्टैक्ट ऑनलाइन आता है। टेलीग्राफ के इस मैसेंजर पे आपको वीडियो कॉल और वॉइस कॉल दोनों ही करने का फैसिलिटी मिल जाता है। मैं आपको चेक कराता हूँ, तो आप किसी भी चैट पे जाइए तो वॉइस कॉल के लिए तो ऊपर ही ऑप्शन बना हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वॉइस कॉल चली जाएगी। इसके अलावा अगर आप और देखेंगे तो यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके देख लें, आपको सबसे पहला ऑप्शन ही वीडियो कॉल का दिखाता है। जैसे आप वीडियो कॉल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आप किसी को भी वीडियो कॉल कर पाएंगे। उसके लिए आपको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं टेलीग्राफ मैसेंजर को। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं लेकिन उनमें से कुछ फीचर्स को मैंने आज एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। अगर आपको डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं।
वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर हिट करें ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो आता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक।